औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉड्यूल नंबर 8 को डिस्कस किया था, आज हम देखेंगे इंशाल्लाह मॉड्यूल नंबर 9। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इसके ऑपरेटर्स है वो ख़त्म कर लिए थे, आज से हमारा जो इसका जो है ना बेसिक जो है ना स्टार्ट का वो लास्ट मॉड्यूल होगा। नेक्स्ट में हम कंप्यूटर का स्टार्ट पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये इसका ऑपरेटर्स वगैरह जो भी इसमें आएंगे या जो चीज़ हमने सर्च करनी है, जो चीज़ नहीं करनी है, साइबर अटैक्स, अनप्लेजेंट रिजल्ट वगैरह, ये इसके जो टॉपिक्स हैं ये हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि मजीद आने वाली क्यूजेस, GDB असाइनमेंट के सोल्यूशन, इसके अलावा CS 101 और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 9। व्हाट वी शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट, हमें कौन सी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी। वी हैव लर्न डिफरेंट ट्रिक्स एंड ऑपरेटर्स टू इज द टास्क ऑफ सर्चिंग ऑन अ गूगल, हमने बहुत से ऑपरेटर्स और ट्रिक्स देखी हमने कैसे गूगल पे सर्च करना है। हाउएवर देयर आर मैनी थिंग्स विच वी शुड नॉट सर्च ऑन गूगल, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने गूगल पे सर्च नहीं करनी। बट वाई, लेकिन क्यों, उसकी रीजन्स नीचे दे रहा है। तीन मेन रीजन्स है, गूगल एड्स, गूगल गिव यू एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरीज, क्योंकि जो हम वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब गूगल का एक हिस्सा है, गूगल की वेबसाइट है। YouTube पे हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, YouTube हमें उसी तरह के एड्स दिखाता है। अगर हम स्टडी रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो YouTube हमें जो एड्स दिखाएगा वीडियो में वो स्टडी से रिलेटेड होंगे। अगर हम अर्निंग मनी के यानी कि वीडियोस देख रहे हैं तो हमें जो YouTube ऐड दिखाएगा वो अर्न मनी से रिलेटेड होगा। इसी तरह जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन के हिसाब से ये एड्स चलते हैं। तो इनसे बचने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई हार्मफुल चीज़ यानी कि देखेंगे तो उसके वो गूगल को पता चल जाएगा भाई ये बंदा अनप्लेजेंट यानी कि दूसरी जैसे टेरर वगैरह की चीज़ें सर्च कर रहा है, तो उस फिर जो एजेंसीज होती हैं वो बंदे तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल की जा रही है। क्योंकि हमने पहले जब हम कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें कुकीज़ आती है, उससे पहले उसका एग्रीमेंट आता है, हम उसको अलाउ करेंगे तो वो वेबसाइट चलेगी। अलाउ मीन हमने उसको सब यानी कि हदायत यानी कि सब उसकी जो परमिशन है हमने वो मांग ली, हमने दे दी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा डाटा सर्च कर सकते हैं, हमको कौन कौन सी चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो देख रहे हैं, लम्हा बलम्हा हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए ध्यान क्या करें, तो इस तरह की चीज़ें सर्च ना किया करें जो कि आपके लिए बाद में नुकसान का बायस बने। तो सिक्योरिटी एजेंसीज इसके अलावा जी वो देख रही होती हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज माइट सी योर क्यूरीज एंड कैन रिसर्च एट योर लोकेशन इफ़ दे सी एन सेंसिटिव टर्म्स सर्चिंग अगेन एंड अगेन। अगर आप कोई भी टेरर के मुतल्लिक, कोई बम के मुतल्लिक, कोई बम वगैरह कैसे बनते हैं या कैसे ये ब्लास्ट होते हैं उनके मुतल्लिक कोई भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको देख रही होती हैं भाई ये बंदा फलां फलां चीज़ सर्च कर रहा है और ये मशकूक बंदा पाया जाता है, ये फर्द मशकूक पाया जाता है, तो वो एजेंसीज आप तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि आपने लोकेशन ऑन की होती है, लोकेशन ऑन होती है आपकी, बहुत सी ऐप्स होती हैं मोबाइल में, वो लोकेशन ऑन आपको रखने देती हैं भाई, आपने लोकेशन ऑफ नहीं करनी वरना वो काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए आपको लोकेशन ऑन रखनी पड़ती है। जैसे ही लोकेशन ऑन होती है तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करके आप तक पहुँच जाती हैं, अगर आप उन्हें लगेंगे कि भाई ये बंदा मशकूक है, यानी कि ये जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जैसे बम्बिंग वगैरह की या टेरर वगैरह की कोई वीडियोज़ बार बार सर्च कर रहा है अभी कैसे करते हैं इस तरह, तो वो चीज़ें सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही होती हैं, तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो इसके अलावा जो हमारा पॉइंट नंबर थर्ड है वो है, समटाइम्स व्हेन वी सर्च लाइक फ्री म्यूज़िक यू कैन बी ट्रैप्ड टू प्रोवाइड अ वायरस विच माइट बी हार्मफुल फॉर आवर कंप्यूटर। तो जैसे भी हम कोई चीज़ें फ्री में सर्च करते हैं, जैसे कोई भी पेड सॉफ्टवेयर है उसका हम फ्री वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें वायरस आ जाता है, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं वो खुद उसमें वायरस छोड़ देती हैं ताकि ये बंदा हमसे इसका परचेज़ करे, हमसे लाइसेंस ले ये, क्योंकि इससे फिर कंपनीज़ के पैसे बनते हैं, तो वो खुद इसमें वायरस छोड़ देती हैं ताकि उसके कंप्यूटर को में नुकसान पहुँचाए, क्योंकि वो हम उनसे पेड़ नहीं ले रहे होते, हम उनको क्रैक किया होता है, तो वो क्रैक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होते हैं, हमारी जो भी वेबसाइट्स होती हैं, अगर हमारा कोई यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए भी वो हार्मफुल है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल को चोरी हो सकता है उन्हीं यानी कि क्रैक वर्जन्स की वजह से, यानी कि जो पेड वाले सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ करने की वजह से, तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो इसके बाद है जी भाई की कीपिंग इन व्यू द अबव थ्री पॉइंट्स द फॉलोइंग आर रिलेटेड थिंग्स मस्ट नॉट बी सर्च ओवर द इंटरनेट। तो अबव वाले तीन पॉइंट को, ऊपर वाले तीन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हमें ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये हमने सर्च नहीं करनी किसी भी यूट्यूब पर या वेबसाइट पर या किसी चीज़ पर। Avoiding ads. Searching the following can avoid unnecessary ads from the search engine. तो ये वाले ये अननेसेसरी एड्स दिखाते हैं, जैसे योर ईमेल, मेडिकल इशूज़ एंड ड्रग्स,
योर नेम, योर लोकेशन, योर फेवरेट चीज़ें, ये आपने सर्च नहीं करनी, आपने इनसे अवॉइड करना, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज आपको देख रही हैं, गूगल एड्स आपको मोनिटर कर रहा है, इसके अलावा जो वायरसेस वाले बंदे बैठे होते हैं वो भी आपको देख रहे होते हैं भी आप क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। अगर कोई फ्री वाली चीज़ सर्च करते हैं तो आपके कंप्यूटर के में वायरस आया ही आया, तो इन चीज़ों से आपने परहेज करना है और अवॉइड करना है। इसके बाद डेंजरस जो सर्च, कौन सी चीज़ें हैं जो ख़तरनाक हैं सर्च करने के लिए। सर्चिंग द फॉलोइंग कैन बी अलर्ट अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ आर एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ कीपिंग आइज़ ऑन द सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो भी एजेंसीज जो किसी भी मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखती हैं वो उस मुल्क की जो भी यानी कि इंटरनेट एजेंसीज होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं, उन पर नज़र होती है उनकी, सिक्योरिटी एजेंसीज की जो भी इदारे होते हैं मुल्की सलामती के इदारे होते हैं वो देख रहे होते हैं हर चीज़। जैसे पाकिस्तान में PTA है तो ये मोनिटर करता है भी कहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कहाँ पे इसका मिस यूज़ हो रहा है, तो मिस यूज़ को रोकने के लिए जो PTA है वो इकदाम उठाता है और फिर जो एजेंसीज होती हैं वो फिर बंदों को पकड़ती हैं और जेलों में डालती हैं। तो इस तरह आपने कौन कौन चीज़ें जो सर्च नहीं करनी, तो इन्होंने नीचे सिंपली बताया हुआ है आपने ये चीज़ें सर्च करनी। प्रेशर कुकर बम स्टोरी ये आपने सर्च नहीं करना, अटैक्स, सुसाइड बम्स, इस तरह की ये वाली जो तमाम चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये आपने गूगल पे सर्च नहीं करनी, जो कि हार्मफुल रिजल्ट हो सकते हैं इसके। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, आपने साइबर सिक्योरिटी अटैक्स नहीं करने। इसके बाद फ्री म्यूज़िक, इसके वजह के साइबर सिक्योरिटी अटैक्स की आपने सर्च नहीं करनी यूट्यूब पे या किसी भी वेबसाइट पे। वर्ड सर्चिंग ऑफ द फॉलोइंग, हमने इन चीज़ों से परहेज करना है। फ्री म्यूज़िक मैंने पहले बताया था, वायरस आ जाता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, लीक हो सकता है, आपके चैनल्स वगैरह हैक हो सकते हैं, वेबसाइट हैक हो सकती है। अनप्लेजेंट रिजल्ट जो कि हमारे लिए नाखुशगवार हो सकते हैं, यू माइट सर्च द फॉलोइंग आर सिमिलर थिंग्स एंड माइट गेट अनप्लेजेंट रिजल्ट, नाखुशगवार रिजल्ट देख सकते हैं जिससे हम डिप्रेस हो सकते हैं। स्मोकर लंग्स जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं किसी भी शख्स को जो कमज़ोर दिल है। तो इसके बाद स्किन कंडीशन, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है किसी की स्किन की, स्किन कैंसर की वजह से, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको बचाए। तो इन चीज़ों को आपने सर्च नहीं करना, इनसे आप डिप्रेस हो सकते हैं, आपको अनप्रेजेंट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल नंबर 9 एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉड्यूल नंबर 10 करेंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।